नीतीश कुमार से, राज्य सरकार से कोई परेशानी नहीं? कोई देखिए, अब सबसे पहली चीज जो हमारे विभूति थे अब हम लोग के बीच में नहीं रहे, और हमने एक लक्ष्य लेकर चला था कि इनके जीते जी इनको कुछ इनका सम्मान इनको मिलना चाहिए, दिलवाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री जी आए हैं और उम्मीद अभी भी बंधी हुई है। जो चीज़ इनके जीते जी होता तो वो एक मलाल अभी भी मन में है, और किसी से कोई हमसे शिकायत नहीं है। ये समय है हमको इनका अंतिम समय में भी। आपको ये तो लगता है कि जीते जी इनका इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला? बिल्कुल 100% ये उपेक्षा के शिकार रहे हैं, पर अब जो भी है अब वो सब चीज़ का बात हम लोगों को नहीं करना है। बढ़िया से हम लोग इनका अंतिम संस्कार करें, और इनके साथ कुछ उम्मीदें थी वो चीज़ को लेके वो मिशन को हम लोग अभी आगे आएंगे। आज ही मुकेश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, सुबह हम ही थे वहाँ ले गए थे। नेताओं से कोई परेशानी नहीं? देखिए, जब हमारे लिए हमारा परिवार ही नहीं रहा तो अब नेता से बैर रखें या क्या रखें? क्या क्या प्रॉब्लम हुआ पीएमसीएच में सुबह में? कितने बजे इनकी डेथ हुई? तकरीबन 8 बजे हम यहाँ से उनको पीएमसीएच लेके गए हैं। हालांकि ये एक चीज़ तो हम भी स्वीकारना चाहेंगे कि ना वहाँ चिकित्सक दल को बहुत समय मिल पाया, उनके हाथ में भी उतना समय नहीं था, जाते जाते में मतलब कॉम्प्लिकेशन बढ़ा था, और डॉक्टर अटेंड करते ही घोषित कर दिए थे कि अब इनकी सांसें नहीं रही हैं। लेकिन मरणोपरांत भी हम लोगों ने देखा कि वहाँ बहुत तरह की खामियाँ रहीं। जैसे हम लोगों ने शुरू में ही बात किया था कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि शव वाहन एक होता है जो कि निजी स्थान तक ले जाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है सरकार के द्वारा, तो वो पूर्णतः खोखली साबित हुई है। वहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटा वहाँ मशक्कत करना पड़ा है। उसके बाद जब मीडिया और बाकी बंधुओं का सहयोग मिला है तब आनंद फानंद में अभी जो हो रहा है वो आप लोग भी समक्ष देख सकते हैं कि जब मृत्यु हुई जिस समय ये लाए गए तो पीएमसीएच में ये मृत अवस्था में लाए गए, और पीएमसीएच इनका बहुत सम्मान करता है क्योंकि लगातार इनका इलाज पीएमसीएच में हुआ है। पहले भी जब बीमार पड़े थे तो हमारे डॉक्टरों ने हमें खबर किया कि लाए गए हैं, मृत हैं, तो हमने कहा कि आप इनका डेड बॉडी का जो हमारा एक रजिस्टर है डेड बॉडी ब्रॉड डेड रजिस्टर उसमें एंट्री कर दीजिए। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रक्रिया है कि हम लोग पुलिसिया जांच करवाते हैं कि कोई डेड बॉडी आई है तो कैसे आई है क्या, हमने कहा कोई जांच की ज़रूरत नहीं है, इनका हम लोग डेड बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। और हम लोगों ने इशू कर दिया, पूरे सम्मान के साथ हम लोगों ने इशू किया, कहीं पर हम लोगों का कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया। लेकिन 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस 1.5 घंटे में नहीं, 1/2 घंटे 45 मिनट के अंदर एम्बुलेंस, चूँकि शुरू में अनुरोध नहीं किया गया, बगल में लड़िया गाँव में इनका आवास है इसलिए हम लोगों को लगा कि आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जैसे ही बताया गया उसके 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। लेकिन इस मामले को देखेंगे हम? बिल्कुल देखेंगे, इस पर जाकर भी लेट हुआ तो काफी, मैं इस पर कार्रवाई करूंगा अगर ऐसी बात हो। आपके जो डॉक्टर थे हम लोगों ने बात की थी, उनका कहना था कि अधीक्षक की बात करेंगे और कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, डॉक्टर तो स्वाभाविक है कि अधीक्षक ज़्यादा जवाब दें, उनको सीधा जवाब देना है और मैं आपको जवाब दे भी रहा हूँ। डॉक्टर भी बात करने के लिए किसी पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो अधीक्षक की। लेकिन वो तो वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। देखिए, अब आप अगर कहेंगे उसके बारे में लिख के मुझे देंगे, मैं उन पर कार्रवाई करूँ। उनके भाई बोले 2 घंटे हम खड़ा रहे, अभी भाई साहब उनके बयान दिए। हाँ, तो अगर 2 घंटे खड़ा रहे हैं तो आप तो समय खुद भी मिला सकते हैं, 2 घंटे वाली बात तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ विलम्ब है तो मुझे खेद है, मैं जाँच करवा रहा हूँ।